सो यहाँ थोड़ा सा जगह मिलते ही मैं पसर गई पूरा, आराम से लेटी हूँ। अब मैं आराम से खाऊंगी और निकलूंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये मैं आज का ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट से। तो देख लीजिए ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया है आज। आलू और भिंडी की सब्जी है, दही है, चटनी है, रोटी है, चाय है और हम और सर साथ में बैठ के कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और शानवी जा चुकी हैं स्कूल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सो आज का जो ब्लॉग है मैं आ गई हूँ फिर से आप सबके सामने नए ब्लॉग के साथ। सो आज सर बहुत सारे काम है, आज सर को जाना है सर्विसिंग कराने और हमें एक पार्टी में भी जाना है शाम को रात में। तो अभी गाड़ी सर्विसिंग के लिए, चूँकि फोर व्हीलर से जा रहे हैं, तो सर ने कहा तुम अकेले करोगे क्या घर पर। सो मैं भी सर के साथ जा रही हूँ गाड़ी सर्विसिंग के लिए। तो बस अब निकलते हैं और आज के ब्लॉग में बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है 9:30 हो रहा है आपको, ये देखिए 9:30 हो रहा है और बस अब निकल रहे हैं हम लोग। नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है और लंच कहीं बाहर ही कर लेंगे, फिर आके शानवी को पिक भी करना है। तो बस ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए आज का दिन कैसे गुजरता है दोस्तों। चले फिर अभी हम लोग निकलने जा रहे हैं, चलिए आप लोग चलते हैं साथ में। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं जहां हम लोग को कार सर्विसिंग करानी है। सो यहां आप देख सकते हैं मुझे लग गई थी भूख, तो हम और सर बाहर आए हैं थोड़ा कुछ खाने के लिए। और यहां में हमने खाया है चिल्ली पनीर और आलू का पराठा। वेट करने से बेहतर है कि जाके कुछ खा लिया जाए। सो यहां हम लोग आए हैं खाने और सर यहाँ पे फोन पे लगे हुए हैं और मैंने सोचा छोटा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ यहाँ का। गाड़ी हमने दे दी है सर्विसिंग और यहाँ बैठ के हम लोग लॉन्च में वेट कर रहे हैं। एसी लॉन्च है, चाय कॉफ़ी टाइम टू टाइम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो ब्रदर है, मेरा भाई है, उसका फ्रेंड यहाँ जॉब करता है, तो इसलिए हम लोगों को भाई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। सो बस नाश्ता तो हम घर से करके आए थे, लंच हमने बाहर कर लिया है और अब एक बजने वाला है, एक तो एक डेढ़ बजे शाम की छुट्टी होती है, तो हमको और सर को अब जाना पड़ेगा। तो कार यहीं छोड़ के हम जा रहे हैं शानवी को पिक करेंगे, फिर शानवी और मुझे घर पे छोड़ के सर आएंगे गाड़ी ले जाने। सो मैं आ चुकी हूँ घर, सर ला के मुझे घर छोड़ दिए हैं, क्योंकि टाइम आप देख सकते हैं वहाँ वॉच में देखिए डेढ़ बज रहा है और डेढ़ बजे शानवी की छुट्टी होती है। तो बस अभी गाड़ी की सिर्फ सर्विसिंग थी, अभी पूरी हुई नहीं थी, लेकिन हम लोग को घर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि शानवी को लेने जाना था सर को, और सर मुझे घर छोड़ के अब शानवी को लेने गए हैं। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, अब शानवी आ जाएँ, फिर शानवी का कपड़ा वपड़ा चेंज करके उनको कुछ खाने वाने के लिए खाना वाना खिलाऊँगी और सर फिर वापस शानवी को छोड़ के वापस चले जाएँगे सर्विस सेंटर, क्योंकि गाड़ी लेके आएंगे वो। और शाम को हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है, कुछ कंफर्टेबल डाल लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, और चेंज करने के बाद जब शानवी आ जाती है फिर आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। आप लोग ब्लॉग में रहिए। सो इस समय बज रहे हैं दोस्तों 4 और वहाँ से आने के बाद 2 बजे लगभग 2:30 बजे मैं सो गई थी और 3:30 बजे मेरी नींद खुली है। और नींद खुली है जब बिना टाइम के सो जाओ तो अक्सर सर में दर्द होता है, वही हो रहा है मेरे सर में। मेरे सर में अभी हो रहा है दर्द बहुत ज़्यादा। सो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, जैसा कि आप
चिप्स खाऊंगी। और चाय नहीं लिया मैंने, हॉर्लिक्स डाल के दूध लिया है, तो मैं ये एक कप दूध पीऊंगी और चिप्स खाऊंगी। अच्छा, चिप्स खाऊंगी, एक कप दूध पीऊंगी, इसके बाद लगभग 4:30-5 बजे शानवी को रेडी करूंगी, खुद रेडी होंगी, फिर निकलेंगे बर्थडे पार्टी में। वैसे मेरा मन तो है नहीं, क्योंकि नहीं है, सर की तो क्लास है तो सर जाएंगे नहीं, और 6 से 8 सर की क्लासेस हैं तो सर तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगी भी तो मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में, लेकिन चूंकि रिलेटिव्स हैं तो लाइक किसी को तो जाना बनता है, सर जा नहीं पा रहे हैं तो मुझे तो जाना पड़ेगा ना, कोई अगर इतने प्यार से इनवाइट करे तो जाना चाहिए। सो इसलिए हम लोग जाएंगे, मैं और शान भी जाएंगे गिफ्ट्स वगैरह लेके। सो बस जल्दी से दूध पी लेती हूँ और ये चिप्स खा लेती हूँ, उसके बाद दोस्तों रेडी होती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या पहना और शानवी ने आज क्या पहना। तो ठीक है, जल्दी से ख़त्म करके और रेडी होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों, बाकी ब्लॉग में बने रहिए। और हाँ, वहाँ जाने के बाद देखिए, सब लोग तो कैमरा पे आना सबको तो पसंद होता नहीं है, तो देखो अगर इफ़ दे विल बी कम्फर्टेबल तब तो मैं उन लोगों को कैमरे में लूँगी, फ्रेम में लूँगी, ब्लॉग में लूँगी, और नहीं कम्फर्टेबल होंगे तो ब्लॉग में नहीं लूँगी, लेकिन छोटा मोटा झलक तो दिखाई सकती हूँ। मम्मी पापा को दिखा दूँगी, दी आएंगी मेरी उनको दिखा दूँगी, फैमिली से जितने लोगों की उन लोगों को कोशिश करूँगी ब्लॉग में दिखा दूँ, और कहाँ गई हूँ बर्थडे पार्टी में वो भी आप ब्लॉग में आपको देखने मिल जाएगा। सो इसके लिए आप लोग को ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। चलिए मिलते हैं रेडी होने के बाद। फाइनली मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी बर्थडे पार्टी के लिए। ये है मेरा फाइनल लुक जो कि आप लोग देख सकते हैं, और मैं अब आप लोग को मिलाती हूँ शानवी से। शानवी भी बिल्कुल रेडी, आ जाओ शानवी। शानवी तैयार हुई है, देख लीजिए ये कौन सा यूनिकॉर्न का है ना, यूनिकॉर्न का बैग, यूनिकॉर्न का फ्रॉक और यूनिकॉर्न की क्लिप, सब कुछ आज यूनिकॉर्न थीम पे शानवी तैयार हुई है। और मैं तो भैया ये फ्रिल फ्रॉक टाइप का कुर्ती मैंने लिया था, तो प्रेगनेंट, हाँ सो मैंने सोचा प्रेगनेंसी में इससे ज्यादा कंफर्टेबल कुछ होगा नहीं, तो मैंने ये डाल लिया है। शर्मी दिखा दो फ्रेंड्स को पूरा मेरा लुक, सो ये है मेरी ड्रेस, कैसी है आप जरूर बताइएगा। इसके ऊपर मैं एक स्टॉल भी लूंगी, ये मेरा फेवरेट लो वो ब्लू वाला, ये मैं दोस्तों पता मैं क्या बोल रही थी कि अच्छा वाला वो वाला लो, देखो ये वाला। सो मैं ये वाला लेना चाह रही हूँ, बट मेरी बेटिया रानी कह रही है मम्मा ये लो। हाँ आप कमेंट करके बताइए ना कौन सा ले मम्मा, आप कमेंट करने का जो मैं बोली थी, ठीक है। पापा आ रहे हैं, पापा से कंफर्म करते हैं, ठीक है। सो हम दोनों रेडी हैं निकलने के लिए, सो निकलते हैं और रास्ते में आप लोगों से मिलते हैं। चलो पीछे नहीं जाओ, कैसे छुपाऊंगी, यही बैठो, जगह है पूरा, और ज्यादा लोग रहते बेटे तब जाते पीछे, अरे पीछे वाला सीट देख रही हूँ तो इनको एक्साइटेड हो रहा है पीछे। काफी दिन से आपकी वीडियो नहीं आई भाई। अभी आज ही आई है भैया, अभी आज वाली भी जाएगी। हम लोग भी देखते हैं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं, बस पापा गए हैं स्वीट्स वगैरह लेने, बस लेके आ जाएं, फिर हम लोग पहुंचते हैं घर, और घर पहुंच के फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ में जो बर्थडे बॉय हैं उनकी ये सिस्टर है, छोटी सी प्यारी सी, अभी ये 8 महीने की हुई हैं, इनका नाम है आकृति। तो इनके लिए जो ड्रेस लाई थी मम्मी मेरी, वो मैं इनको यहाँ पे ट्राई करा रही हूँ, पहना रही हूँ। एक्चुअली मेरी लाई हुई ड्रेस थोड़ी सी बड़ी थी, तो मम्मी की जो ड्रेस थी वो बिल्कुल साइज की थी, तो ये देखिए मैंने ड्रेस पहना, और कितनी प्यारी लग रही है पिंक कलर की ड्रेस में, और ये मैंने ड्रेस इसको पहनाया है, और फिर इसको गोद में लेके थोड़ा सा प्यार किया मैंने, बहुत ही प्यारी थी, लेकिन अपनी मम्मा को देखते ही बहुत रोने लगी है। क्या तुम भूख लगी है क्या, एकदम साइज कलाई है मम्मी है। ए आकृति वो अपनी मम्मी को देख के रो रही है,
तो बाहर हो रही है बर्थडे पार्टी और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मेरे को तो घबराहट होने लगी। सो मैं आ गई हूँ यहाँ बेडरूम में और ये आए हैं हम लोग, मेरी जो भाभी हैं उनके मायके में और उनके भतीजे का बर्थडे है तो उसमें आए हुए हैं। तो ये उनकी भाभी का रूम है तो यहाँ मैं रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं खड़े खड़े मेरे पैर जो है पूरे सूज गए हैं और शानवी के भी पैर सूज गए तो हम दोनों यहाँ पे आराम कर रहे हैं। शानवी क्या हुआ, पैर दर्द हो रहा है? सो यहाँ थोड़ा सा जगह मिलते ही मैं पसर गई पूरा, आराम से लेटी हूँ। अब मैं आराम से खाऊंगी और निकलूंगी यहाँ से। मम्मी मेरी आ रही हैं क्योंकि शानवी जी हमसे ज्यादा थक गई हैं। देखो सो फाइनली यहाँ आप लोग मिल लीजिए। देखिए मेरी सिस्टर आई हुई हैं और पीछे मेरे हैंडसम जीजा जी खड़े हैं। सर तो गए नहीं थे क्योंकि सर की क्लास थी। और ये देखिए मेरी भाभी की पूरी फैमिली है, उनकी मदर हैं और भैया है पीछे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब हम लोग का खाना पीना सब कुछ हो चुका है और हम लोग सब लोग मतलब लास्ट में मिल रहे हैं जाने से पहले। और बस फिर क्या था, फिर मेरी मौसी वहीं पर रहती थी तो फिर हम लोगों ने सोचा 2 मिनट उनके यहाँ भी चलें। सो जीजू जी मेरे आए थे थार से तो मैं जाके थार में बैठ गई, जीजा जी के साथ आगे आराम से और दी मेरी बैठ गई पीछे। और ये मौसी का लड़का है जो कि हमें रास्ता बता रहा है और हम मौसी के घर जा रहे हैं उनका घर देखने। अभी नया नया मकान उन्होंने यहाँ पे बनवाया है। सो बस वही जीजू लेके जा रहे थे 2 मिनट के लिए, बस हमने घर देखा और चूंकि रात हो गई थी बस घर देखा फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। सो मैं आ चुकी हूँ घर और इस समय बज रहे हैं रात के, ये देख लीजिए टाइम 11 बज गया है 11। तो मम्मी पापा मुझे यहीं घर के पास ड्रॉप करके गए हैं और शानवी बहुत ज़्यादा नींद में थी तो बस शानवी सो रही हैं और मैं भी बस अब मेकअप रिमूव कर लूँ उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज का जो था पूरा ब्लॉग वो आप लोगों को कैसा लगा? देखिए मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ ये भी मैं बता दे रही हूँ। प्रेगनेंसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बाहर निकल नहीं रही हूँ तो क्या दिखाऊँ, मतलब एवरीडे घर पे घर ही का शेड्यूल दिखाऊँगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो जो भी अगर कुछ भी इतना सा भी कुछ अलग होता है लाइफ में, कुछ भी एक्साइटमेंट या कुछ भी नया होता है लाइफ में तो मैं उसको आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो उसको अप्रिशिएट करिए और कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग्स जल्दी जल्दी आएँ। सो प्लीज़ आप लोग का काम है कि सारे पूरे वीडियो को पूरा देखा करिए, थोड़ा सा देख के छोड़ा मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। और अगर इतना सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खूब सारा प्यार सपोर्ट मेरे को और मेरे चैनल को देते रहिए दोस्तों। तो बस इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्द, बाय बाय। मुझे लगता है मैं बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, क्यों फ्रेंड्स? और आई थिंक प्रेगनेंसी की वजह से वैसे ही मेरे चेहरे पे बहुत ग्लो आ चुका है तो मेकअप करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। विदाउट मेकअप देखिए कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। मैंने मेकअप पूरा रिमूव कर दिया, देखिए इसके बाद भी अगर मैं अच्छी लग रही हूँ दैट मीन्स मैं अच्छी हूँ। सारा मेकअप इस पर देखिए, पूरा मेकअप रिमूव हो चुका है, देखिए पूरा कुछ भी बचा नहीं है फेस पे, ये देखिए। सो ये विदाउट मेकअप मेरा फेस देख लीजिए और मिलते हैं अपने ब्लॉग में। बाय।